चार्ली चार्ली। जोसेफ ने मोबाइल उठाया और अपने दोस्त चार्ल्स को फोन लगाया। बोल जोसेफ। चार्ल्स, घर में कोई नहीं है, पापा मम्मी दोनों उनके एक दोस्त की पार्टी में गए हैं। मैं फट से आया। कुछ ही देर में जोसेफ के घर की डोरबेल बजी। जोसेफ ने दरवाजा खोला और चार्ल्स हाजिर था। यार पहले नाश्ता कर लो, शरबत पी लो, उसके बाद आज एक मजेदार गेम खेलेंगे। ऐसा कौन सा गेम है मेरे भाई? चार्ली चार्ली, बड़ा ही खतरनाक गेम है बॉस। हम भी कहाँ डरने वाले हैं किसी खतरे से, चलो आज खेल ही लेते हैं। चलो फिर हो जाए। जोसेफ झट से व्हाइट पेपर और दो पेंसिल लेकर आ गया। इसके बाद उसने ऊपर पहले कोने में यस और दूसरे कोने में नो लिखा, फिर नीचे के पहले कोने में नो और दूसरे कोने में यस लिख दिया। चार्ल्स बड़े ही ध्यान से देख रहा था। जोसेफ ने तुरंत बीचों बीच एक पेंसिल आड़ी और उसके ऊपर एक पेंसिल बीच में खड़ी रख दी। वहाँ ऊपर लगा हुआ सीलिंग फैन भी बंद कर दिया गया। चार्ल्स अब तैयार हो जाओ, अब चार्ली से सवाल पूछने का समय आ गया है। एक बात का ध्यान रहे, हमें डरना नहीं है और पीछे हटना नहीं है। जोसेफ पहले तुम पूछो। ओके मैं पूछता हूँ। चार्ली क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे? थोड़ी देर के बाद पेंसिल में हल्की सी कंपन हुई और वो यस की तरफ घूम गई। इसी बीच इन दोनों को कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। टेबल के पास रखी हुई कुर्सी धीरे धीरे कुछ दूर तक खिसक गई। उन्हें एक अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ। कुछ आवाजें आने लगी। दोनों ही दोस्त अवाक रह गए। उन दोनों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। अरे ये तो कमाल हो गया, चार्ली ने यस कह दिया। जोसेफ क्या तुमने कदमों की आहट सुनी? देखा कुर्सी भी खिसक गई। हाँ, मुझे तो डर भी लग रहा है और जानने की उत्सुकता भी बढ़ रही है। चार्ली क्या तुम इस कमरे में हमारे आसपास हो? पेंसिल धीरे से यस की तरफ घूम गई। एक हल्की सी हंसी कमरे में गूंजने लगी। उन दोनों को चार्ली दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उन्हें उसका आभास पूरी तरह से हो रहा था। फिर क्या था, प्रश्न के बाद प्रश्न होने लगे। चार्ली क्या तुमने आत्महत्या की थी? वे दोनों देख रहे थे, लेकिन पेंसिल जरा भी नहीं हिल पा रही थी। अचानक पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई और कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। किसी की रोने की आवाज और सिसकियां सुनाई पड़ने लगी। जोसेफ ने मोमबत्तियां जला ली। पूरे हॉल में उसकी हल्की रोशनी फैल गई थी। बताओ चार्ली क्या तुमने आत्महत्या की थी? इस बार पेंसिल धीरे धीरे नो की तरफ घूम गई। दोनों दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ली की हत्या कर दी गई थी। अचानक डोरबेल बजती है और दोनों चौंक जाते हैं। जोसेफ और चार्ल्स दरवाजे के पास आते हैं। जोसेफ छेद से बाहर देखता है तो उसे रोजलिन दिखती है। कौन है? रोजलिन। दरवाजा मत खोलना, उसे अंदर लेना ठीक नहीं है। कुछ भी बहाना बनाकर मैं उसे भगा दूंगा। रोजलिन तुम इस वक्त? तुमने बुलाया और मैं आ गया। रोजलिन की आवाज सुनकर चार्ल्स और जोसेफ कांप जाते हैं। चार्ल्स बाहर जाने का प्रयास करता है तो रोजलिन उसे एक धक्का देती है। वो चार्ल्स को हवा में उठाकर छत पर पटक देती है और चार्ल्स जमीन पर आकर गिरता है। जोसेफ भागते हुए चार्ल्स को संभालता है। चार्ल्स आर यू ओके? रोजलिन धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाती है तो हॉल की सारी चीजें डगमगाने लगती है और बाहर दरवाजों से होते हुए उड़ने लगती है। चार्ल्स और जोसेफ एक दूसरे को पकड़कर संभलने की कोशिश करते हैं। दरवाजे से बाहर उड़ती चीजों को तोड़ती हुई रोजलिन आगे आगे बढ़ती है तो जोसेफ और चार्ल्स की सांसें रुक जाती है। शुरुआत तुमने की है लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा। अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। पूरा वातावरण शांत हो जाता है। रोजलिन हम फ्रेंड्स हैं तुम्हारे। रोजलिन जोर जोर से हंसने लगती है। देखना चाहोगे मेरी हत्या कैसे हुई थी? हमें नहीं देखना। प्लीज छोड़ दो हमें, हम ये गेम दोबारा नहीं खेलेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि ये गेम सब खेलें। मुझे बहुत मजा आता है, तुम्हें मजा नहीं आता? बहुत मजा आता है, प्लीज प्लीज अब चले जाओ। मैं आया तो तुम्हारी मर्जी से हूँ,
पर जाऊंगा अपनी मर्जी से। कब जाएंगे आप? आखिरी लेवल खत्म होने के बाद। आखिरी लेवल देखना चाहते हो? रोजलीन पेंसिल उठा लेती है तो पेंसिल अपने आप बड़ी छोटी बन जाती है। उस रात मेरा बर्थडे था, मैं उनका इंतजार कर रहा था, वो आए और छुरी से उन्होंने मुझे काट दिया। मैं केक भी नहीं काट पाया, मुझे आज केक काटना है। आप रुको, हम केक लेकर आते हैं, चलो चार्ल्स। केक है यहाँ। कहाँ है? ये रहा। चार्ली प्लीज 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 चार्ली प्लीज प्लीज। जोसेफ, ये केक मैंने ही तू काटेगा और गाएगा भी तू ही, यही गेम है। नो, आई कांट डू दिस। सोच लो, आसान मौत दे रहा हूँ, मना किया तो ऐसी मौत दूंगा कि। आई एम रेडी। जोसेफ प्लीज प्लीज जोसेफ प्लीज जोसेफ प्लीज प्लीज। सॉरी चार्ल्स। गुड बाय। ये लो छुरी। ये कहते हुए वो छुरी जोसेफ को दे देती है और चार्ल्स को पटक देती है। कम ऑन जोसेफ, हैप्पी बर्थडे टू मी, कम ऑन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चार्ल्स, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो गाना गाता हुआ चार्ल्स को काटता है और उसका खून बहने लगता है। चार्ल्स तड़पता है। रोजलीन भी गाते हुए जोसेफ का छुरी वाला हाथ थाम लेती है और दोनों मिलकर चार्ल्स को काट देते हैं। चार्ल्स मर जाता है। प्लीज अब मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कहा माना। तू जानता है जोसेफ, मेरी हत्या किसने की थी? किसने? मेरे सबसे करीबी दोस्तों ने। तू भी उनकी तरह गद्दार निकला जोसेफ, तूने अपने ही दोस्त को मार दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? तू गद्दार है जोसेफ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्लीज चार्ली प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। गाते हुए रोजलीन छुरी से जोसेफ को मार देती है। पांच चार तीन दोन, पांच चार तीन दोन, दोनों मर गए बचा कौन? रोजलीन। जोसेफ खिलखिलाकर हंसता है और रोजलीन को झटका लग जाता है। मैं अंदर कब आई? ओ गॉड, जोसेफ चार्ली ये क्या हो गया? ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? रोजलीन छुरा फेंक देती है और उसे फिर से झटका लगता है। चार्ली उसे अपने वश में कर लेता है और वो हंसने लगती है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। रोजलीन छुरा उठाती है और गाते हुए अपने आप को मारने लगती है। हैप्पी बर्थडे डियर मी। रोजलीन ये बोलते हुए खुद को मार देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। खूब खून बह रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही रोजलीन अचानक झटका खाती है और उसकी लाश जमीन पर गिर जाती है।